अजूनी हाँ क्या कर रही हो? भाभी वो डॉली के लिए मैंगो शेक बना रही थी। मुझे मिक्सर चाहिए था, इनके लिए बनाना शेक बनाना। अमन भाभी एक जिम्मेदारी दी थी ना तेरे, इसका ख्याल रखना। पूरे हरियालीपुर में सिर्फ यही डॉक्टर था, बाकी सब मर गए थे क्या? पिछली बार भी तो अमन भाभी को वही देखने आया था ना। इनको इवनिंग में हॉस्पिटल ले आइएगा। हॉस्पिटल ले जाने की ना अब जिम्मेदारी तेरी है इसको। वो डॉक्टर पहले भी यहाँ पे आया है? हाँ। तो मुझे बताया क्यों नहीं, छुपाया क्यों मेरे से यार? राजवीर मैंने कुछ छुपाया नहीं है। उस दिन डॉक्टर खन्ना अवेलेबल नहीं थे तो उन्होंने दूसरा डॉक्टर भेजा और वो डॉक्टर अविनाश था। ये बात मैंने तुझे बताने की बहुत कोशिश की पर कुछ ना कुछ हो ही रहा था। और आज भी मैंने फोन नहीं किया उन्हें, डॉली ने फोन करके बुलाया है। राजवीर मैंने नहीं बुलाया उसे। वाह बड़े संजोग पे संजोग हो रहे तेरे साथ ना। Excuse me, सोनोग्राफी करानी थी, डॉक्टर अविनाश ने भेजा। हाँ एक मिनट, ये फॉर्म लो, पेशेंट को थर्ड फ्लोर में जाना है। भाभी आप दो मिनट रुको, मैं आपके साथ चलती हूँ। मैडम लिफ्ट सिर्फ सीनियर सिटीजन और पेशेंट के लिए, और आपने आने में वैसे ही देर कर दी। आपका अपॉइंटमेंट का टाइम भी निकल चुका है। भाभी आप ये स्लिप लेके जाओ, मैं फॉर्मेलिटीज करके आती हूँ। कहाँ जाना है? ये कहाँ है? तीसरी मंजिल पर। हमारी मंजिल ऊपर है। अरे क्या हुआ? भाभी इस जहरीली गैस की वजह से उसकी जान निकल जाएगी और हमारी प्रॉब्लम खत्म। और इस सब का जिम्मेदार कौन? ये हॉस्पिटल। पाजी पाजी क्या हुआ यहाँ पे? कोई फंस गया लिफ्ट में। तो कौन फंस गया लिफ्ट में? अरे एक औरत अटक गई है और बहुत धुआं भी भर गया अंदर। कैसे दिखती है भैया वो औरत? उतना तो पता नहीं, लेकिन अगर आपको देखना तो मॉनिटर रूम में जाके देखना पड़ेगा। भैया मॉनिटर रूम कहाँ है? उस तरफ।
जाऊंगी। मैम वो मेरी भाभी लिफ्ट में फंस गई है। मैडम मैंने लिफ्ट कंपनी को फोन कर दिया है, वो आधे घंटे में आ रहे हैं। आधा घंटा? आधे घंटे में तो उनका दम घुट जाएगा, हम आधे घंटे तक वेट नहीं कर सकते। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज उनकी जान खतरे में, आप कुछ तो करिए। मैडम मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। देखिए ना प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। क्या हुआ जिनी, सोनोग्राफी होगी? अविनाश वो भाभी की लिफ्ट थर्ड फ्लोर पे फंस गई है और लिफ्ट में से धुआं निकल रहा है। What? हाँ सर, मैंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया है, वो 10-15 मिनट में आ रहे हैं। ये हॉस्पिटल में आते ही ना तबीयत सी खराब हो जाती मेरी। लेकिन एक बात है बेटा, तूने जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखाया ना, आज मैं बड़ा खुश हो गया देख के। कोई अरविंदर का तो कुछ कह नहीं सकते, उस पर से तो मेरा पूरा भरोसा उठ ही गया समझो। आज की मीटिंग में तूने देखा होगा ना कि पॉलिटिक्स जो है ना बच्चों का खेल नहीं है। भाई हमको जो लगता ना कि ये आदमी हमारे पक्ष में है, वो हमारे पक्ष में है कि नहीं है ना, इसका पता लगाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जरा सी भी नजर चुकी ना तो ऐसा दबोचते हैं ना लोग कि पता भी नहीं चलता। पॉलिटिक्स में बेटा हर कदम जो है ना बहुत सोच समझ के उठाना पड़ता है। पॉलिटिक्स का एक बहुत खूबसूरत मंत्र है, पता क्या है? जीतने के वास्ते कुछ भी। अच्छा किया ना मैंने। दिया कर। क्या है? अरे लिफ्ट नहीं चल रही है। ऐसे कैसे नहीं चल रही है? आप सर सीढ़ियों से जाइए। मेरी उंगलियां दुखने लगी, कब से दबा रहा हूँ। उंगली करना बंद करो, जाओ सीढ़ियों से। भाई मीटिंग में सारे मेंबर तेरे को मिल लिए ना, बहुत बढ़िया बात हो गई। एक्सक्यूज मी, वो सोनोग्राफी कहाँ करते हैं? आप ये फॉर्म भर दीजिए, पेशेंट का नाम क्या है? अमन बक्का। अमन जी लिफ्ट में फंस गए। कौन से लिफ्ट में फंस गई? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लिफ्ट खोलने की। कौन से फ्लोर पे? थर्ड फ्लोर। तो चल देखिए यार। ये आदमी पावर सप्लाई रूम में क्या कर रहा था? और इसने हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म भी पहनी हुई थी, यानी कि ये स्टाफ का आदमी था। मतलब ये कोई जानबूझकर कर रहा है। मैं इसे अभी पकड़ कर लाता हूँ। अविनाश, अभी पहले हमें लिफ्ट चालू करके भाभी को बचाना है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम प्लीज चलो चलो अविनाश। अविनाश संभाल के बेटा, संभाल के। चलो भाभी उठाओ, उठाओ, उठाओ जल्दी भाभी। भाभी भाभी
जो जो मैडम अंदर थी वो कहाँ गई? उन्हें आईसीयू की तरफ लेके गए। आईसीयू? चल चल चल। अभी डॉक्टर क्या हो गया? बेहोश थी लिफ्ट में। वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेके आओ जल्दी। एक मिनट। इनकी हालत ज्यादा खराब है, इन्हें आईसीयू में एडमिट करना होगा। फास्ट क्विक। तेरे को नहीं लगता कि कहीं हमारी फैमिली के साथ कोई षड्यंत्र रच रहा हूं? अजूनी सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।